जिला पुंछ के मंडी तहसील के बटालकोट गांव में एक बालू ने दो लोगों पर हमला किया। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद शर्मा को पद्मा अवार्ड 2020 देने जाने की जोरदार मांग की गई। एचसीएफसी कर्मचारियों की एक प्रतिनिधि ने पूर्व मंत्री राज्य उपाध्यक्ष भाजपा श्याम लाल शर्मा से मुलाकात की। ग्लोबल जूथ कॉर्प्स ने प्रोजेक्ट ब्रश सेव शुरू किया और साथ ही मीडिया और आम जनता के बीच N95 मास्क बांटे। फॉर्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डोगरा सरदार सभा के चेयरमैन गुलचांद सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आज जम्मू के बीसी रोड में पीएचई डेली वेजर्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू में यूपी में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर केस के मुद्दे को लेकर सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू में पीडीडी डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर वर्कर्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। आज जम्मू में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायतों के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की आवश्यकता आधारित और श्रमिकों ने लंबित वेतन जारी करने सहित अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा संघ के मंडल परगाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने की। अचनैनी के पठानगढ़ रोड पे हुआ एक सड़क हादसा। मेरा शहर मेरी शान के तहत आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया बख्शीनगर अखनूर रोड पे दौरा। सुनील डिंपल ने एलजी मनोज सिन्हा को कोई टैक्स ना देने पर डिंपल ने बिना किसी संपत्ति कर के अपनी जीत के लिए लोगों को बधाई दी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपोरा बेल्ट के महलहोरा इलाके में सरकारी बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया।